अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज दीपक राजदारे एंड यू आर वाचिंग नाउ केआर फिल्म से भोजपुरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और ये वीडियो में आप लोगों को एक पीएसटी प्रोजेक्ट रिव्यू कराने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल के साथ और देखते रहे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज का प्रोजेक्ट है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, लोक गीत सैड सॉन्ग का प्रोजेक्ट है, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और जिन भी डिज़ाइनर को, जिन भी डिज़ाइनिंग सीखते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं, उनको चाहिए वो प्रोजेक्ट, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या और व्हाट्सएप नंबर भी, आप हमें सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना PC, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ अपना ड्राइव, और यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है, तो मैं उसे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने लेटेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी सारे किए हुए हैं डिज़ाइन, जो कि आप मेरे वेबसाइट rngfx.com पे जाकर देख सकते हैं, और वहाँ से आप प्रोजेक्ट का रिव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, काफ़ी लेजेंड डिज़ाइनिंग किया गया है मेरे कंपनी के द्वारा, केआर फिल्म्स के द्वारा, और यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी में से एक मैं डिज़ाइनिंग का प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा। अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद आता है, अगर आपको PSD प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो है ये JPG फॉर्मेट है, जो कि इस तरह से, देखिए इसका क्वालिटी देखिए, ये इतने जूम होने के बावजूद इसके जो पिक्सल्स हैं वो नहीं फट रहे हैं, काफ़ी मैंने जूम कर दिया हुआ है इसे, देख सकते हैं काफ़ी फुल HD क्वालिटी में है। और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसका जो है परफॉर्मेंस है। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्वालिटी है। तो चलिए, सबसे पहले इसका PSD का रिव्यू मैं कराता हूँ सबसे पहले आपको। तो आप लोगों को पता नहीं कि PSD क्या होता, तो वीडियो देख के जरूर पता चलेगा आप लोगों को, यकीन होता है। तो मैं इसे JPG जो है इसे मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी फोटोशॉप है, तो मैं फोटोशॉप में ओपन करूँगा। आप किसी भी फोटोशॉप, कोई भी वर्जन हो, CS हो, CS3 हो, 6 हो, CC हो, आप ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली आप 7.0 में भी ओपन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी है इसे। तो आपको सिंपली, अगर आप हमसे प्रोजेक्ट लेते हो, तो आपको सिंपली उस प्रोजेक्ट पे आप एडिट कर सकते हो। सबसे पहले चलिए, मैं यहाँ पे मेरे पास PSD प्रोजेक्ट है, मैं इसे ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करने के बाद में मैं यहाँ पे लेके इसे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का ओपन होगा, थोड़ा समय लगता है, 2-4-5-10 सेकंड के आसपास का समय लगता है, तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये ओपन हो रहा है। अगर आपका सिस्टम जो है वो उसमें ग्राफिक्स लगा हुआ है, तो काफ़ी आसान हो जाता है ओपन करना, क्योंकि काफ़ी फास्ट वर्क करता है अगर SSD हार्ड डिस्क लगा हुआ है। तो अभी तो मैं जो जिस पर वीडियो बना रहा हूँ, वो अभी लैपटॉप पे बना रहा हूँ, जो कि i3 प्रोसेसर का है, उसमें मैं स्पेशली वीडियो बनाने के लिए रखा हूँ इस सिस्टम को, और आप लोग देखते रहे। तो ये हो रहा है ओपन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये PSD प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है फाइनली। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पे ये PSD प्रोजेक्ट है, अगर आपको चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका कोई कंपनी है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप चाहो तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, मैं यहाँ कंट्रोल प्लस प्रेस करके यहाँ पे जूम करूँगा, और मैं थोड़ा और जूम करता हूँ यहाँ पे, अगर चाहूँ तो ये जिस भी कंपनी का है, अगर ये PSD अगर आपके पास हो, तो आप इजीली आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, जो भी चाहो। ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया 8651442883, और मेरा दूसरा नंबर जो है वो भी मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है आप डाल सकते हो इस तरह से नंबर जो भी है। ये मेरा दूसरा नंबर गलत है, इस पर आप ट्राई मत कीजिएगा। तो इस तरह से आप जो भी चाहो आप एडिट आराम से कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग में। और इसके बाद में आप चाहो तो सिंगर का फ़ोटो को मूव कर सकते हो। यहाँ से मैं ये सिंगर का फ़ोटो को डिलीट कर दिया, और यहाँ पर मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक PNG इमेज है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से PNG मैंने पहले से क्रॉप करके रखा हुआ है, ये मेरा इमेज है, और मैं इसे करूँगा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप। और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पर पेस्ट। इसे मैं एडजस्ट करूँगा, Ctrl+T प्रेस करूँगा, और इसे मैं छोटा करूँगा थोड़ा सा अपने साइज के हिसाब से, जितना चाहिए हो उतना के हिसाब से। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इस पर मतलब कि ब्रश टूल से नीचे का जो एरिया है वो मैं रिमूव करूँगा। इरेजर टूल लेना है, और इरेजर टूल लेने के बाद में आपको इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने से नीचे वाला जो पर्सन है
उसे आपको थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देना है ताकि वो पीछे वाले के जो पर्सन है वहाँ पे वो मैच कर जाए। और इसके बाद में आपको थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना है। मैं इस फोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा ताकि मेरा बाल जो है काफ़ी नीचे की तरफ आ गया हुआ है, और थोड़ा सा ऊपर से भी थोड़ा सा ये बाल का जो कट है वो दिख रहा है। मैंने फ़ोन से लिया हुआ था इस इमेज को, तो हल्का हल्का बाल की तरफ भी इसे रिमूव कर दूंगा मैं। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इस वाले इमेज को मैं थोड़ा सा मूव करूँगा साइड में, और यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट लगाया हुआ है इसे भी मैं थोड़ा सा हल्का सा मूव करूँगा। सॉरी, इसे भी मैं थोड़ा सा इसे मूव करूँगा, और इस वाले भी इमेज को मैं थोड़ा सा मूव करूँगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है और इस नेम को मैं चेंज कर दूँगा, वॉइस जो है वो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूँगा। यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है और मैं इसका मैं ये कंप्लीट अगर मैं इसे अगर एक्सपोर्ट कर दूँ, इसे मैं सेव कर दूँ, तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि ये किसी भी डिज़ाइनिंग पे ओवरले किया गया है, क्योंकि ये पूरा तरीके से ये नेचुरल लग रहा है। तो PhD का मतलब यही होता है, अगर आप एक PhD लेते हो तो आप इस पर आप अपने हिसाब से इस पर आप काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, अपना एक लुक दे सकते हो अपने डिज़ाइनिंग पे। तो ये होता है PhD। अगर आपको PhD चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसमें आपको मैंने किस तरह से इसमें कौन कौन से इफ़ेक्ट्स यूज किया है मैंने और कौन कौन सा इसमें फ़िल्टर लगाया है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारे लेयर्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये लेयर्स हैं और इसी लेयर्स के थ्रू यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइनिंग बना है, और जो डिज़ाइनिंग में जो चीज़ भी यूज़ हुआ है वो सभी लेयर्स के माध्यम से आपको सभी चीज़ पता चल जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है, अगर आप एक PhD प्रोजेक्ट आपके पास हो तो डिज़ाइन करना एल्बम काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको PhD प्रोजेक्ट के में आपको जो इमेज होते हैं, जो डिज़ाइनिंग होते हैं, उसके हाइट, विड्थ, रिजोल्यूशन वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें सिर्फ अपना इमेज और कुछ नेम्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी इजी हो जाता है इसके बाद में। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर।